नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। व्यापम की ओर से एक बहुत बड़ी न्यूज है। व्यापम की परीक्षा लेटेस्ट जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं कि डीएड एवं प्री बीएड के संबंध में, जो कि प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में, और साथ ही 100 से भी ज़्यादा पदों के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कितने पदों पर? 100 से भी ज़्यादा पदों पर, 100 से भी ज़्यादा पदों के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं सारी जानकारी इस वीडियो पर। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि व्यापम से एक बहुत बड़ी न्यूज के साथ। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्री बीएड एवं डीएलएड में प्रवेश परीक्षाओं के लिए होगी इस बार मारामारी, यानी कि 14,500 सीटों के लिए 2,00,000 आवेदन आए हैं। कितने आवेदन आए हैं? 14,500 सीटों के लिए 2,00,000। इसके बाद मैं बात करूंगा कि देखिए, इस बार पिछली बार से लगभग 2,00,000 आवेदन आए हैं, और साथ ही प्री बीएड और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 12 जून को होगी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि प्री बीएड व प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 12 जून से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? 12 जून से स्टार्ट होगी। इसके बाद देखिए कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड का जो आयोजन होगा 12 जून को किया जाएगा, और इस परीक्षा के लिए इस बार 2,00,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। 2,00,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। वही प्रदेश के 148 कॉलेज में बीएड के 14,500 सीटें हैं, यानी कि ऐसे में प्रवेश परीक्षा के लिए मारामारी तय है। यानी कि इसका कहना है कि देखिए, आवेदन पिछले बार से दोगुनी बताई जा रही है, और पिछले बार भी यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले बार भी प्री बीएड और प्री डीएलएड के 93,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इस संबंध में इसकी जानकारी के अनुसार व्यापम का कहना है कि प्रवेश परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी इस बार जमकर आवेदन कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को शुल्क में छूट दिए जाने का असर भी है नज़र आ रहा है। जैसे कि देखिए, बीएड और डीएलएड का मामला इससे कुछ अलग है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए बीएड और डीएड होना जरूरी है, इस वजह से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। देखिए, प्रदेश में बीएड के 14,500 सीटें हैं, जो कि वर्तमान में 148 बीएड कॉलेज संचालित किए गए हैं। 148 कॉलेज संचालित हैं, और इन कॉलेजों में लगभग 14,000 सीटें हैं। ऐसे में एक एक सीट के लिए अभ्यर्थियों को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। 93,000 सीट है, 93,000 शामिल हुए थे पिछली बार में, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना के संक्रमण होने के बाद व्यापम ने प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया था, और दोनों मिलाकर 93,000 अभ्यर्थियों के लिए शामिल हुए थे। प्री बीएड की परीक्षा 59,460 अभ्यर्थी और प्री डीएलएड के लिए 23,547 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि प्री बीएड व प्री डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 12 जून को स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? 12 जून से स्टार्ट होगी, और 14,500 सीटों के लिए 2,00,000 आवेदन आए हैं। पिछली बार आए थे लगभग 2,00,000 आवेदन आए हैं, ठीक है, यह जानकारी देना था। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बिलासपुर से जो 100 से अधिक पदों के लिए मैं बताया था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से भी ज़्यादा पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका लास्ट डेट जो है सबमिट करने का एप्लीकेशन का, 6 जून 2022 को दिया गया है। कब दिया गया है? 6 जून 2022 को इसका आवेदन अंतिम डेट है। आप देख सकते हैं डिलाट कब आप देख सकते हैं कि इसका डेट कब जारी किया गया है, 8/5/2022 को। इसका मैं बात करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट क्या है, इसका पोस्ट क्या है, तो किसके लिए पोस्ट दिया गया है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एंथ्रोलॉजी के लिए दिया गया है, एंथ्रोलॉजी के लिए दिया गया है यहाँ पर, उसके बाद दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसके बाद बोटनी के लिए है, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के लिए है, सीआईएसटी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, ये
पोस्ट प्रोफेसर के लिए है, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, ये सब प्रोफेसर के लिए दिया गया है। ओबीसी के लिए भी है, आप देख सकते हैं एसटी एससी ओबीसी भी दिया गया है, इतने सारे पोस्ट दिए गए हैं। इसका जो लास्ट डेट है 6/6/2022 को सबमिट करने का फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बाद बात करना चाहूँगा, बहुत सारी वैकेंसियाँ दिया गया है एंथोलॉजी पोटने के, ये सब इतने सारे पोस्ट हैं, आप जाके आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना है इसको। इसके 100 से अधिक पदों के लिए पोस्ट दिया गया है, यही मैं बताना चाहूँ।